अगर आपको हमारे नाजरीन में अगर ऐसा वो बंदा मिलता है जो आपसे शादी करना चाहता है बगैर जहेज के, बगैर किसी लालच के, तो आप उनसे शादी करेंगे? जी जी, आपकी शादी हुई थी? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई जहेज की वजह से। ना कोई भी शादी नहीं करता, जहेज नहीं दे सकते। पाकिस्तान में बहुत से ऐसे लोग हैं जो जहेज के बगैर भी शादी कर लेंगे, अगर आप शादी करना चाहती हैं तो। ऐसे बहुत से लोग हैं। अगर आपने, आपके वाल साहब ने, या आपने पहले कहीं आपने ट्राई की है? जी ट्राई की थी, बार ना उन्होंने नहीं की, वो बेटा जहेज नहीं दे सकते जी। नाज़रीन, आपने देखा कि हम ऐसी कोई डिज़र्विंग फैमिलीज़ की वीडियो ला रहे थे जिसमें लोगों के बहुत ज़्यादा ज़रूरियात हैं, बहुत ज़्यादा महंगाई की वजह से लोग परेशान हैं। जैसे कि आपको पता है कि आजकल जो सैलाब की वजह से भी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमारे मुल्क में जो सैलाब का आया हुआ है, सैलाब आया हुआ है, उस वजह से बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। उसके साथ साथ कुछ और लोग हैं जो सफेद पोश लोग हैं, जो कि बिजली के बिल या कि ऐसी परेशानियों से बहुत ज़्यादा परेशान है। तो हम उनसे आपको मिलाते हैं। हमारे साथ एक बहन है जिनका अभी एक ही थी, वालद वालदा थे, और पहले तो उनकी वालदा बहुत हो गई और बाद में वालद का सहारा था लेकिन वो भी चला गया। तो अब हम उनसे जानते हैं कि वो कैसे गुजारा कर रही हैं, उनके अखराजात कौन पूरे कर रहे हैं, क्या उनके अखराजात हैं और कैसे पूरे हो रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी बहन, क्या है? ठीक है जी बहन। आप हमें बताएं कि आपके जो वालद साहब थे, आपकी वालदा और वालद दोनों फौत हो गए, तो अब आप कैसे गुजारा कर रही? बहुत मुश्किल से गुजारा हो गया। तो जब वालदे गई थे, मेरी वालदा जो सही भी हालात है, मेरा हालात सही जा रहा है, भी सही है, गुजारा कर ले दिन। हम मुश्किल न गुजारा करते हैं क्योंकि हम कमान रखने मेरे तो जिम्मेदारी आ गई। वालद साहब है, मेरे वालद साहब की करते से? बस बस भी कभी गड्डिया का काम कर लिया, तो जो मच्छी खा लेंदा भी बस। कितना को कमा लेंदे सन? बस 400-500 हज़ार जो मच्छी ले लेना। अच्छा, हाँ। ते उन दिन थोड़ा घर का गुजर बसर सही हो रहे है? हां, वो तो ठीक हो गया। ते उन थोड़ा घर का गुजारा कौन चला रहे है, मतलब कि थोड़े घर का खर्चा कौन चला रहे है, किस तरह चल रहे है? बस चलना की है, मैं खुद ही बिल बेकर का काम कर लेता है लोगों का, तो हम तो मुश्किल लो भी नहीं है, लोग भी काम नहीं लगता पाया, तो काम हो गए तो कोई करी भी काम नहीं है, तो मजबूर थे भी घर भी किराए दे सकता भी। अच्छा कोई भी नहीं भी हेल्प नहीं करता भी ये भी कोई हेल्प करे, तो मैं मुश्किल न गुजारा कर रही हाँ भी। पहले तो वाले देगा ये वालदा, तो हूँ तो मैं कली है, तो कोई सहारा नहीं है। नहीं ते जेड़ा हम तुसी कोई कमांदे हो, तुहाडे बिजली दे बिल इस दफा बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ते तुसी की किसी लोगों के घर काम करते हो या किस तरह का की सिस्टम है जेड़ा तुसी कर रहे हो जिहदे नाल तुहाडा सिस्टम चल रहा है? बस घर ही काम करते जी, ते हुण दो ही नहीं है भी, हुण काम नहीं लभ रहा भी। अच्छा जिहा काम लभ जाए ते मैं कर लवां, अज कल घर गई तो बस कोई काम की तलाश भी कोई काम लभ नहीं। ते तुहाडी शादी हुई है? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई जहेज की वजह से। ना कोई भी शादी नहीं करता भी, ये जहेज नहीं दे सकते। क्यों पाकिस्तान में बहुत से ऐसे लोग हैं जो जहेज के बगैर भी शादी कर लेंगे, अगर आप शादी करना चाहती हैं तो? ऐसे बहुत से लोग हैं। अगर आपने, आपके वाल साहब ने, या आपने पहले कहीं आपने ट्राई की है? जी ट्राई की थी, बार ना उन्होंने नहीं की, वो बेटा जहेज नहीं दे सकते जी, क्योंकि इसका वालद भी नहीं है जो जहेज दे सके, क्योंकि अगर होने वाली थी शादी तो मेरे वाल की डेथ हो गई, उन्होंने इनकार कर दिया शादी तो, भी जहेज नहीं दे सकते उसके बाद। जी, अगर आपको हमारे नाजरीन में अगर ऐसा वो बंदा मिलता है जो आपसे शादी करना चाहता है बगैर जहेज के, बगैर किसी लालच के, तो आप उनसे शादी करेंगे? हाँ जी, मैं शादी करने तैयार हूँ जे कोई हेल्प करता है तो मेरी, क्योंकि मैं बड़ी मुश्किल न गुजारा कर रही हूँ, अभी काम भी नहीं मिल रहा, तो अगर वालद हैगा तो कोई टेंशन नहीं है, तो नहीं हैगा वालदा क्या, तो मैं बड़ी परेशान हूँ। आप चाहती हैं कि ऐसा कोई बंदा जो आपका सहारा बन जाए, तो आप उससे शादी कर लेंगे, जो जहेज भी ना ले, कोई उसकी कोई ना हो, अल्लाह वास्ते आपको कोई हेल्प कर दे, तो आप उससे शादी कर लेंगे? हाँ जी, इंशाल्लाह मैं शादी कर लूँगी, अगर कोई जहेज भी ना ले तो मैं उससे शादी करना तैयार हूँ, मैं कर लूँगी। जी, आपका जो नंबर है, हम आप नाजरीन आप देख रहे हैं, इनका जो नंबर है हम आपकी स्क्रीन पर चला रहे हैं, आप वहाँ से नंबर लेके इनसे रब्ता कर सकते हैं। अगर कोई ऐसे मुखय्यर हज़रात जो इनकी हेल्प कर सके इस मुश्किल हालात में, तो वो भी आप कर दें, तो इनकी स्क्रीन पे इनका नंबर चल रहा होगा, आप उससे उससे रब्ता कीजिएगा। जी बहन, ये वीडियो आपकी मर्ज़ी से बन रही है? हाँ जी, सारी मर्ज़ी। जो आपने नंबर दिया वो भी आपकी मर्ज़ी से? हाँ जी, सारी मर्ज़ी। जी,
जी नाजरीन आपने देखा, अगर आप भी किसी दुख, किसी परेशानी या किसी मुसीबत में हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई हेल्प करने वाला मिल जाए, तो आप हम बनेंगे आपके बाद। आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करें। तो देखते रहिए राइजिंग पीपल। अल्लाह हाफिज़।